अगर आप रेगुलर सैंडविचेस से बोर हो गए हैं तो ट्राई करें ये झटपट से बनने वाले शेजवान टोस्टीज आपकी शाम के स्नैक्स या ब्रेकफास्ट के लिए। फिलिंग के लिए एक बोल में हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर, स्वीट कॉर्न। उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड चीज़। स्पाइसेस में हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन सीजनिंग जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम इसमें डालेंगे शेजवान सॉस और चिली सॉस। तो आपकी 2 मिनट में टॉपिंग बनके तैयार है। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। सॉल्ट मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी चीज़ में और सॉसेज में सॉल्ट अवेलेबल है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको और चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो आप देखें, फिलिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने लिए हैं ब्राउन ब्रेड, आप अपनी पसंद की कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर अब आप लगाएं रूम टेम्परेचर बटर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप देखें, सारी ब्रेड पे हमने बटर लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी टॉपिंग जो हमने प्रिपेयर की है। तो ये बहुत ही डिलिशियस, मज़ेदार हमारे शेजवान टोस्टीज़ बनते हैं। मैंने और भी बहुत सारे टोस्टीज़ बनाए हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो आप देखें, झटपट से ये भी बन के तैयार हैं। अब एक तवे पर हम डालेंगे बटर, आप ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप इसमें डालें हमारी शेजवान टोस्टीज़। तो इसको अब हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो ऊपर का चीज़ है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो। हाई या मीडियम फ्लेम पे आप इसे नहीं पकाएं। तो आप देखें, ढक के मैंने इसे 4 मिनट तक कुक किया है। चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मैं आपको एक क्लोज़अप दिखाऊँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार शेजवान टोस्टीज़ बनते हैं। कभी आपको अगर रेगुलर सैंडविचेस या कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। इस पे स्प्रिंकल करें थोड़े से ओरेगनोज और आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं अपनी शाम के स्नैक्स के लिए या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे ही क्विक टोस्टीज आपके लिए लाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।